बोल शिव गोरखनाथ बाबा की जय, बोल जति जहरवीर की जय। मिटाए च नहीं मिटती है, बनती है तकदीर की। आप लोगों के सामने कथा पेश करते हैं जहरवीर की। कौन शिव गोरखनाथ बाबा के 14 चेले घूमते घमाते फिरते फराते कहाँ गए? ददरेड़े शहर में जहाँ के रानी बाछल का नुलक्खा बाग लगा हुआ था और गुरु ने कहा बच्चा यहीं तपस्या करेंगे। अच्छा कि हाँ, गुरु गोरखनाथ के आने से मैया का नुलक्खा बाग जो था एकदम से हरा भरा हो गया और मोर पपैये दादर कूकने लगे, फल फ्रूट आने शुरू हो गए। आम बाग में एक माली और माल रहते थे, तो मालन जाती है रानी को सूचना दी, रानी के हाँ तेरा बाग हरा भरा हो गया। तो रानी ने एकदम से मूंगा बांदी को बुलाया और बांदी से कह लगी बांदी के हाँ जल्दी से 36 प्रकार के भोजन बनाओ के गुरु गोरखनाथ आया। आप मूंगा बांदी क्या कहती है किससे? बाछल माता से। ऐसी सोच कहती है भाई साहब। ए मुंगा बांदी कैरी अबा चल मात से, मात से हो बातो मगो रघुनाथ से हो बाछल शांति से काम लिए, बजराम लिए घन शांति से काम लिए। डोलता सतन मन तेरा हिम्मत करके थाम लिए, डोल जा जो तन मन तेरा हिम्मत करके थाम लिए। 14 चेले गुरु के साथ से, साथ से हरि भागो मगो रघुनाथ से हो, हरि भागो मगो रघुनाथ से हरि हो हरि भागो मगो रघुनाथ से। सुनी मैले अटारी से तेरी रोवे प्रजा सारी से, सुनी मैले अटारी से तेरी रोवे प्रजा सारी से। आ गोरख बाबा आने मिले संपत की दुखियारी से, गोरख बाबा आने मिले संपत की दुखियारी से। चौकी बेटा दे दा करमात से, करमात से हो अब कौन मुंगा बांदी ने कहा रानी तेरे बाग में शिव गोरखनाथ बाबा आया हुआ है और चल दर्शन कर ले। अब बाछल माता खीर खांड के भोजन बना के और कहाँ शिव गोरखनाथ के पास आती है खाने में जहाँ गोरखनाथ बाबा का स्थान था। अब कौन शिव गोरखनाथ के पास गद्दी पे जाके बाबा को आवाज दी, है बाबा क्या कहती है बाछल माता? वडोरे हलावे बाछले मोरे
लावे बाजल ए घंटे बजावे रे शिव की गद्दी पे हे जागे तसी बे बोर के नादे भाई जागे से छे बोर के नादे भाई तेरी माता राजा की बेटी माता ए राजा की रानी तू आई मारे खाड़े में मारे खाड़े तो आजा मैं बाहर सच्चे दरबार की अब गोरखनाथ बाबा गद्दी पर जाग उठा है बच्चा क्यों आई ऐ बाबा मेरे यहाँ संतान नहीं इसलिए आई बाबा बेटा नहीं क्या कोई बेटी दे दे अरे बेटी हमारे पास क्या बेटों की कोई बेल है या पेड़ है या कोई रूख है अरे बाबा आपके यहाँ सदा व्रत है भूखों को भोजन नंगों को वस्त्र बांझों को पुत्र दिया का पूर्ण भगत भी आपने दिया था कौन राजा सलेबान के यहाँ इच्छरा रानी के अरे बाबा मैं तेरी 12-12-24 साल तक सेवा करूंगी अच्छा के यहाँ अब सरदारो जैसी सुबह से शाम ऐसे ही उम्र तमाम शिव गोरखनाथ बाबा ने जचगी आके यहाँ माता सेवा जरूर करेगी अब सेवा करनी शुरू कर दी माता ने अब सेवा पूरी हो जाती है 12 साल की जा कहा जा माई सुबह आइए और अपनी सेवा ले जाइए अब सुबह भी हुआ तवा बा चल चल जी सुबह तेरा आजी शिव गोरख पे भाई अरे झूठ भगा के क्यों तो जावे मन झूठ भगा के क्यों मन जावे तेरे सुनिए बात शिव जोगी मेरी अरे झूठे गुरु का तू झूठा चेला तेरे माता ने झूठ बतावे भाई जी तेरी तीसरा फिर लेन चली आई माई बोल सच्चे दरबार की अब सरदारो अब दूसरे जो बाछल माता आई सेवा करी थी बाछल ने हड़के लेगी उसकी बहन अब धोखे में वो आई है माई तू तो लेगी कि नहीं बाबा मैं नहीं आई अच्छा के हाँ ले जो तेरी सच्ची आत्मा है ये कच्चा सूत है और ये डोल है इस कुएं में से जल भर के दिखा दे जो तेरी सच्ची आत्मा
तो बाछल माता की वाकई सच्ची आत्मा थी। माता ने कच्चे सूत से जल भर के दिखा गोरखनाथ बाबा से। हाँ, चेलों से कह लगा भाई माई तो सच्ची है, माई के साथ धोखा हो गया और माई तो सच्ची है कि महाराज हमारे बस की क्या बात। अच्छा एक काम करो, इस माई का 9 महीने का घोर कुंड कौन सा चेला मंजूर करता है? तो एक जलमेजे नाम का चेला था, रानी नवलदे की कोख से पैदा था, राजा परिषद का लड़का, अभिमन्यु का पोता, अर्जुन का पड़पोता, पांडव कुल में था। हमने कहा हाँ महाराज, मैं गुरु इस माई का 9 महीने का घोरकुंड स्वीकार करता हूँ। बस चेले को जटा पकड़ के और भस्म कर दिया, भस्म करके गूगल बना दिया, ले माई महल में चली जा। और इसका गूगल है सुर्रा गौ का दूध, लेके इस गऊ के दूध में इसको सेवन कर लेना, जा तेरे महाबलवान पैदा होगा, इतने पवन पानी रहेगा, जमीन आसमान रहेगा, जा तेरे बेटे का नाम रहेगा। अब बाछल माता वहां से चल के आके गऊ का दूध लेके, और महाराज माता ने वो सेवन कर लिया। अब माता गर्भ से होगी, अब गर्भ में होके अब ननद का और भावज का थोड़ा झगड़ा पड़ जाता है। सुनिए, अरे ननद भावज का झगड़ा पड़ गया, ननद भावज का झगड़ा पड़ गया, तेरे पड़ गया तारंग महलो में भाई जी। आधी आधी रात कहाँ गई थी, आधी आधी रात कहाँ गई थी, तेरी भैया केवर की रानी रानी री आदि, मारे जुआन कलाज भतेरी, मारे जुआन कलाज भतेरी, तेरी बाछल मर सरा में भतेरी बाछल री आदि, हरि पारा मर पड़ दे ठारा डोदी, पारा मर पड़ दे ठारा डोदी, तेरी सारी तन तोड़े बगाड़ी बाछल री सारी, आज क्या भी बोले वा बाछल रानी, बाछल रानी, तेरी मेरी सुनिए तो ननदल मेरी, हे जय भगवान बेटा दे दे मेरे, जय भगवान बेटा दे दे, तेरी नाम तेरे भाई का चलेगा ननदले, मैं तेरे रुपया तुरंत दिवा दूं, तेरी दुशाला दुआओं नंदो याद है मेरी आई। बोल सच्चे दरबार की जय। अब कौन छबील दे ननद जो थी पल्ला पकड़ के खड़ी हो जाती है, ए हराम जादी सुबह जाती है शाम को आती है, शाम को जाती है सुबह आती है, कहाँ जाती है? ए मेरी नंदल प्यारी, मैं योगियों के पास साधुओं की सेवा करती हूँ, जो भगवान मेरे दो अंगल का बच्चा दे दे तेरे नाम भाई का चलेगा, मेरे बाप दादा का नाम नहीं चलेगा, ऐसे भतीजे की मुझे जरूरत नहीं, हमारी चुहानों की राजपूतों की लिहाज शर्म सब खो दी डबो दी, मारे 12 डोडी 18 पर्दी सब खो दिए। अब पल्ला झटक के बाद चल रहे महल में जाती है और गऊ का दूध लेके, सरदारो माता ने वो गूगल जोता सेवन कर लिया, सेवन कर लिया। सुबह हुआ राजा जेवर आया तो छबील दे रानी ने अपने भाई से शिकायत लगवा के और बाछल माता को एक दुहाग दिवा दिया। राजा ने कहा रानी मैं तेरा लागू नहीं, जहाँ तेरा राम ले जा तुम्हें चली जा। अब बाछल एक हाथ जोड़े दो हाथ जोड़े, राजा मेरा अब जाने का समय नहीं, क्यों? मेरा पैर भारी है कि रानी मुझे ऐसी तेरी जरूरत नहीं, जहाँ तेरा भगवान ले जा वहाँ चली जा। तो सरदारो औरत के दो वाणे दो ठिकाने होते हैं, ससुराल का या पीहर का। अब बाछल गाड़े में बैठ के कहाँ अपने पीहर चली जाती है, और पीहर जाके माता ने ताई ने चाची ने पूछा कहो बेटी ददरेड़े की खैर खूबी। तो बाछल रानी ने कोई अपने पति की चुगली या कोई गिरावट नहीं करी, अपनी
दुरानी की, जिठानी की, अपने सास की कोई बुराई नहीं करी। ये कहा कि माँ, मेरा जी चाहा कि मैं अपने पीहर चली जाऊँ और मैं मिलने के लिए आई। अच्छा बेटी, 2 महीने रहो, 4 महीने रहो, 6 महीने रहो। अब होते सोते जब के 9 महीने बीत जाते हैं और भादवे के दिन नज़दीक आ जाते हैं, अब पहला प्रचार, पहली शक्ति अपनी माता को दिखाता है। माता, तेरे रहने का कारण यहाँ क्यों है? अब अपनी माता से 4 कली के जवाब में बना के क्या कहता है भाई साहब? अगर बैगरी लाओ गरे वो काबिला ला, चल माता देख मैं जाता दादा के खेड़ेरी माता में जना मैं सुधारू मेरी माता खेड़े में जना मैं सुधारू जना ना करी माता मैं जना मैं सुधारू आदि भी शक्ति मेरी कम हो जाती मोरी माता, आदि शक्ति मेरी कम हो जाती। आत्म कमा करी मेरी बरात राखिए दादा के खेड़ेरी माता में जना मैं सुधारू मेरी माता, दादा के खेड़े में जना मैं सुधारू। इतना भी सुन के बाछल हिब्बा के डरी थी, इतना भी सुन के बाछल हिब्बा के डरी थी, थर थर कंपवा बाछल माता की, क्या कोई भूत भाई जचरे छड़ेवा मेरी माया कौन रे भूत उतो है रे छड़ेवा। बड़े बड़े देवताए ये हैं जगत में, बड़े बड़े देवता बोलाना की गर्भो में जी, सुन सुन के तेरे रे मन आवे है अचंभे मेरी मेरी माया, सुन सुन के तेरे आवे है अचंभे। मत घबरावे री माता मत दुख ठावे, लाशी में गोरा के नाथ कारी मेरे रे गुरु न तेरी को के अलोया मेरी माता, मेरे रे गुरु न तेरी को के अलोया। अरे इतनी भी शक्ति जो है तेरे में, इतनी शक्ति तेरे में
जा सके जी दिखाइए रे बाबल से जी तेरे बाबल ने रे बेटा लिखा है जी छोटा मेरे मेरे बेटा तेरे बाबल ने लिखा है तू छोटा जाइयो रे तेरा गड़ा दादरेड़ा उड़े मीत जाइयो रे तेरा गड़ा दादरेड़ा आ चले जाओ देश बागड़ का तेरे बागड़ देश पेरे पड़ेगी बिगड़ी मेरे मेरे बेटा तेरे देश में पड़ेगी बिगड़ी सच्चे दरबार की जय। yeah! अब कौन बाछल माता अपने पीहर चली जाती है और सामन बीत जाता है भादव आ जाता है भादवे में पहला प्रचा पहली शक्ति अपनी माता को दिखाई माता यहाँ मैं जन्म नहीं लेने का और मैं जन्म दादा के खेड़े लूंगा तो बाछल माता का शरीर जो था एकदम से कांप उठा भाई भूत है प्रेत है क्या कोई छड़ेवा है बड़े बड़े देवता बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हुए कोई भी गर्भ में नहीं बोला तू क्या सह है जो मेरे गर्भ में बोल रहा माता घबरावे नहीं जो 12 साल तक गुरु गोरखनाथ बाबा की सेवा करी या गुरु की सेवा है और तू घबरावे नहीं अच्छा के हाँ भाई सी शक्ति तू अपनी माता को दिखा रहा बेटा ये शक्ति अपने बाप को अपने दादा को अपनी फूफी को ये शक्ति उनको दिखा जो तेरा बाप दादा बेटा मुझे लेने के लिए आवे और मैं चली जाऊं बगैर बुलाए तो मेरा आदर नहीं जो तेरी इतने में शक्ति है तो अपने बाप दादा को दिखा तो कौन आ माता का गर्भ छोड़ के कहां दिदरेड़े पहुंच जाता है और भुविया खेड़े से मिला है भुविया खेड़े या तो मेरी साथ खड़ा हो जाए अन्य तेरे खेड़े को भी पलट दूंगा भूमिया खेड़े है कहा तुझे पता नहीं मेरी माता ने तेरे जोगी ब्राह्मण बहुत से जिमाए और बड़े बड़े दान पुण्य किए और मेरी माता तुझे पता कहाँ है तो भूमिया खेड़े ने कहा कि भाई जी तेरी माता गई मैं यहाँ नहीं था मैं कहीं यात्रा पे था केव तो तू यहाँ है कि हाँ चल मेरी साथ कहने के झगड़े बहुत हैं सरदारों लेके और महल में बढ़ गया अब महल में जाके अब क्या करता है जाके बोल सच्चे दरबार की कौन भूमिया खेड़े को लेकर महल में बढ़ गया और महाराज अपनी शक्ति दिखानी शुरू कर दी अब कौन ब्राह्मण बुलाया ब्राह्मण से कहा महाराज जी तेरी शक्ति क्यों हो रही हमारे पे ब्राह्मण ने वेद को विचारा शास्त्र को देखा और एक तुरंत प्रश्न दिया कि जाओ इतने बाछल माता नहीं आने की इतने आपको कोई सुख शांति नहीं होने की तो गाड़ा जोड़ के कौन राजा जेवर बाछल रानी को कहां ले आया ददरेड़े शहर में आ गया और महाराज रात अठम की और दिन नवमी का आ जाता है अब बाबा का जन्म का समय आ जाता है अब आगे क्या कीजिए
ऐसी सुबह से शाम ऐसे ही उम्र तमाम। इधर कौन सीरियल लाडो जन्म लेती है कहां राजा संझा के यहां जो के मच्छिंद्रनाथ के बाग से पैदा हुई थी। और इधर बाबा जतिजहर पैदा हुए हैं तो नाई ब्राह्मण आए और ब्याह सगाई दे करके वापिस चले जाते हैं। सहाड़ बदी दिन रविवार का चौदस के फेरे लगन दे के वापस चले जाते हैं। अब शिव गोरखनाथ बाबा को याद करता है जति जहारवीर आप बाबा की साथ में बरात और चेले गोरखनाथ बाबा के कैसे जाते हैं धारानगर में लाडो सीरियल का डोड़ा लेकर के कहाँ चले जाते हैं ददरेड़े शहर में आ जाते हैं। आप राजा ने दान दीक्षा बांटना शुरू कर दिया अपने बेटे की खुशी में। अब गाजे बाजे बजते हैं और
ढोल ढाप खंजरी बजती है, दान दीक्षा बांटते, किस तरह से खुशी मनाई जाती है, ऐसी सोबत से मनाई जाती है भाई। जहर बाबा डोला ले कागा दान को नाच गाने खुशी मनाई जाती है। आप उर्जन सुर्जन जो थे कौन मौसी के लड़के, उनको चिड़ावट पैदा होती है और कहते हैं जर जोरू जमीन पे खपगी बादशाही। जोड़ों ने कहा ले भाई अब हम भी बराबर के हो गए हैं, हमारा जो हक है वो बांट दो। जहरवीर ने कहा हाँ भाई एक बाप के बेटे तुम दो हो और एक का मैं हूँ, आधा तुम ले लो आधा मुझे दे दो। उर्जन सुर्जन ने कहा नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्यों कि तुम दो भाई हैं। अखाँ भाई एक ढेरी तुम आपको देंगे और दो ढेरी हम लेंगे, कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसी बात के लिए उर्जन सुर्जन दिल्ली में आकर के चुगली खाते हैं और बादशाह से कहते हैं महाराज हमारे यहाँ गुग्गा राणा और आप ही बोई और आप ही खाना, नहीं किसी को देता दाना। अच्छा रे ऐसा कौन है के गुग्गा राणा, अब सरदारो इधर से कौन, जमाना किसका। एकदम बादशाह मुगलों की हुकूमत थी, चढ़ाई कर दी कौन फौज पलटन लेके, आप राजा ने चढ़ाई कर दी, कहाँ पहुंच गई ददरेडा हेर लिया। और सीरियल रानी जो अटारी पे चढ़ के देखती है चारों तरफ से बाजरा सा निकल गया, मार 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 होती आई। और रानी ने एकदम से चंगाड़ मारी, ऐ महाराज विचार कह हमारा ददरेडा जो है चारों तरफ से हेर लिया। सीरियल रानी ने अपने पति को जगाया, महाराज पता नहीं कोई चोर है डकैत है मीना है भील है, हमारा ददरेड़ा चारों तरफ से हिर लिया। कछा के हाँ एकदम से जति जहर को क्रोध आ जाता है और गुरु गोरखनाथ को याद करके अब लीले घोड़े के धोरा आके आप लीले घोड़े का सवार होकर अब किस तरह फौज पलटन में लड़ने के लिए तैयार होता है। आजा भवा मेरी मेरे हृदय में हृदय बैठ तार तेरी माँ, मैं दिन खातर मन है सुमर ली मैं दिन पड़े बराबर, हर जय दिन खातर मन है सुमर ली। ये झटपट घोड़ा खोल लिया था हुए झटपट घोड़ा खोल लिया था, अरे घोड़े पे
गड़बड़ रह करके चल दिया ओ घोड़ा भोजो के माँ चार न मारे चार पोड़ो से पाँच में न मुंगे दे बगा जैसे काले बादल में भाई जैसे कला कबूतर खा गड़बड़ गड़बड़ रह बढ़िया घोड़ा हो जेवा तो दे बगा हार गया था दिल्ली कौला जा हार गया दिल्ली कर राजा गुग्गा बचगी चाटा हाँ उर्जन सुरजन में बच गए थे गुग्गा बचा तुरंत भाजवा तीनों भाई वापस खुदे अब रस्ते में रहे बात बना लीले घोड़े पर चढ़ के कड़बड़ 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 घोड़ा फौज में बढ़ गया लालश्कर में चार में मारा चार पोड़ो तब पांच में नदी मुँह था बगा बग्गी पड़गी फौज में सरदारों कोई मर गया कोई भाज गया कोई लुक गया आप तीन भाई बच गए कौन उर्जन सुरजन और जतीजा हराना अब उर्जन सुरजन ने एक बात बनाई ले भाई जिस बात के लिए इसको ले गए थे बच के चला आप उर्जन कह लगा भाई काम कर तू तो इसको बातों लगा लर मैं इसके पीछे न तीर मारूंगा अब उर्जन ने बातों लगा सुरजन ने तीर मारा तो जहार बच जाता है जिसको राखे साइया मार सके ना को और लाख बेरी सर पे बसे तो बाल न बाका हो गुरु गोरखनाथ बाबा की कृपा थी जति जहर बच जाता है अब जब जहर बाबा को क्रोध आता है उर्जन सुरजन के दोनों के शीश उतार लेता है और हन्ने पर टांग के और ददरेड़े चलता है घोड़े को नचाता कुदाता आने लग रहा था जंग में जीत के और अटारी पे चढ़ के कौन सीरियल रानी देखती है अब क्या सीरियल रानी पहचान के देख के अपने पति को अपनी सास से आकर क्या कहती है सीरियल आकर कहती है बाछल माता से माता आपके कमल रूपी चरणों में मेरा प्रणाम हो और तो ये कहती कि मेरा बेटा युद्ध में गया है लड़ने के लिए आज तेरा बेटा घोड़े को नचाता कुदाता आने लग रहा है और माता विश्वास नहीं आया तो अटारी पे चढ़ के देख ले आप सीरियल उतरती है मैया बाछल चढ़ के देखती है तो वाकई लीले घोड़े को नचाता कुदाता आने लग रहा है और डोडी पे घोड़ा आन के थम जाता है तो बाछल माता अब किस तरह से अपने बेटे का आरता करने के लिए आती है सोने का थाली और चमक्खा चिराग और अपने पीहर की बाछल माता ने तेल पहर के रेशमी और अपने बेटे का आरता करने के लिए किस तरह आती है भाई अरे तीर काम काम में नाम बाछल ने हाथ लई सोने का दीवाले लगाया तेरी मेरे बाबा वागी की जड़ाली माता ने जो और सरसा पाटन की माता ने तेरे परी की अपने खाथ पीर की मेरे बाबा बेटे का कर दी आरता ए जी अरे कौन डाला अरे बेटा कौन डाल जी क्या दिल गोरख बाबा के अरे मेरे बेटा तो जंग की बता
हमें दाल हरे री माता हमें दाल जी से धन है पाचल माता हरे मेरी माता तेरे बाण जो मैं चूला मैं गू जारे एजी बाछल माता ने कहा अरे बेटा कौन दिल हारा और कौन दिल जीता बेटे जंग की बात बता तो राणा ने कहा अरे माता हम ही दिल हारे और हम ही दिल जीते क्यों तेरे भांजे ने माता बहुत भारी जुल्म किया क्यों कि दिल्ली का जो राजा था उसके जाके मेरी चुगली खाई और राजा ने चढ़ा के लाए अब माता दिल्ली का राजा तो हार जाता है और तेरे बेटे की जीत होती है और उजन सुमजन कहाँ बेटे जो काछल रानी के लड़के थे मेरी बहन के लड़के जाए बेटे मेरे भांजे थे वो कहाँ छोड़ आया गुगे राणा ने कहा री माँ वो तो मेरे जन्म के दुश्मन थे यानो सुने तो मेरा दूध बटवा लिया अब शाणे होकर मेरा राज बटवा में अच्छा कि हाँ हमें कहाँ है बेटा आप घोड़े पर से दोनों के शीश उतार कर और मैया बाछल की गोद में गिरे हस्क से बच्चे और सहरस वर्गी जोड़ी मैया बाछल की गोद में गिर देता है अब देख क्या उर्जन सुर्जन ने काछल रानी के जो लड़के थे अब बाछल माता टस टस रोती है और उनकी याद में क्या कहती है अरे खोदी मैं खोदी रे बेटा हे दीन दुनी खोदी रे खोदी रे बेटा दीन दुनी मार के तू आया भाइयों ने जी भाइयों ने मार मेरी राज तरदा अरे मेरे बेटा भाइयों ने मार के तू राज कर बांदीरी कलम दान मेरा ला ले चले देश बांदीरी कलम दान ले लुला ले ए कुरा कुरा तागा ये उठा लिया आज बेटे तबगड़ का मैं राज लिखूंगी अरे मेरे बांदे इस बागड़ का मैं राज लिखूंगी खाना बाछल ने जल का भी पीना अन्न का भी खाना बाछल ने जल का भी पीना लिखा तो सूरत का दिखाना जी जा तेरा नारायण ले जा वहाँ चला जाइए ये मिले मेरा जा तेरा नारायण ले जा वहाँ चल जाइए राणा ने फिर एक लगाई
माता बोले जी बाछल माता ने लिख के दी छोटा अन्न का खाना और जल का पीना और सूरज का दिखाना बेटे जहाँ तेरा भगवान ले जा तू वहाँ चला जा। ऐसे बेटे की मैं सूरत नहीं देखना चाहती क्यों बेटे इतनी ममता तेरी और इतनी ही ममता मुझे उनकी थी उर्जल सुरजन की जो मेरी बहन के लड़के काचल रानी के लड़के थे बेटे इतनी भी ममता मुझे उनकी थी। अब लिख के दो छोटा दे दिया राणा ने मुख पे पल्ला घेर लिया और घोड़े के ऐड लगा दी। अब बाछल माता कहाँ सीरियल रानी के पास आती है सीरियल से कहा बेटी मेरे हाथ से डोर छूट गई और बाज जो था पिंजरे से बेटी उड़ारी ले गया और तेरे बस की बात है बेटी तेरा राजा रुस्या हुआ जा रहा अगर तेरे से मन है तो बेटी मना ला क्यों के बाछल माता ने बड़ी मुसीबत से बड़े दुखों से बेटा प्राप्त किया था और सीरियल रानी से अब क्या कहती है कैसी सोच कहती है भाई हरी हाथ है मेरे तेरी बेटी हाथ है मेरे तेरी बेटी ए डोरे छूट गई उड़ जा बाज पिंजरे से जया ए वक्त ना आवे हाथ तेरा तेरा साजन बेटी आ, तेरा तेरा साजन बेटी ए रुचा जावे मने तो मनाया तेरी सुनिए ए सीरियल बेटी बाजिए शिवे क्या नी बोले वा सीरियल शिवे क्या बोले वा सीरियल कहने लगी तीवा मैया कौन दे छोटा लिखे बाछल माता सीरियल रानी के पास आई बेटी के हाँ मेरे हाथ से बेटी डोर छूट गई पिंजरे में बाज जो था वो बेटी उड़ारी ले गया और तेरा पति है बेटी अगर मन सके तो तेरे तक मन सके अब मेरे बस की बात कोई नहीं रही और बेटी जा अपने पति ने बना ला। अब सीरियल रानी अब वहां से चलती है चलने के बाद पाहों की पायल छी जाती है नाक की नागर नाक गिर पड़ती है माथे का बिंदा चू जाता है गले का हार जो चू जाता है सोन को सोन हो जाते हैं रानी के। अब आगे आगे बाछल और पीछे पीछे कौन सीरियल रानी सीरियल क्या कहे सीरियल
दाता जाने बाबा छद के करे जो बस है मेरा दूर दी हर का दूरिया बस है दूर दी अरे उजाड़ खेड़ा सन बाछल साच बता तेरी धन बाछल माता अरे मेरी माता मन की बताए अब कौन आगे आगे लीला घोड़ा और पीछे पीछे बाछल माता और साथ साथ कौन सीरियल रानी भाग दौड़ के अब घोड़े की पूंछ जा पकड़ी। पूंछ पकड़ने से राजा ने देखा गुगा महाराज ने अब तेरी माता भी साथ है, अब जुल्म हो जाएगा जो तेरी माता ने अब तेरे दर्शन कर लिए। अब भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान हे धरती माता मुझे तू जगह दे दे, क्यों मेरी माता पीछे पीछे आने लग रही है, अब मुझे तू जगह दे, मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊँगा। अब भगवान को याद करके कैसे दुनिया से पर्दा करता है, कैसे जिंदा घोड़े के समीप कैसे धरती में समाता है। हरि हर की तोरी माता जगे दे दे, तेरी तेरे मैं जिंदा मैं समाऊं माए माता पीछे पीछे आवे, माता मेरी पीछे पीछे आवे, तेरी मेरा धर्म गात जागा मैया रे, मेरी मैया ने लिखा था छोटा, मैया ने लिखा था छोटा, तेरे धरती में जगे दे दी थी भाई दे जिंदा समा गया धरती में, जिंदा समा गया धरती में, तेरे ओ लीला घोड़ा ता साथ में भाई जी आ
चोगा मेड़ी का नजारा घणो प्यारा रा 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 घणो प्यारा रा 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 घणो प्यारा रा 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 जहार वीर का दवारा घणो